हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड चेंज। तो बैकग्राउंड चेंज करेंगे, न्यू बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो गाइस इसका बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है, फोटो को पहले पीएनजी बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है, तो गाइस सबसे पहले आप लोग को फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑटोडेस्क स्केच बुक। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोटो को शेयर करते हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ पर हमारा फोटो जो कि स्केच बुक के अंदर में आ चुका है। ठीक है, देन इसका अब हम पीएनजी बनाएंगे। तो गैस आप लोग पहले यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दो आइकन। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेटिंग पे आना है। ठीक है, देन इसको 100 पे रखना है और इसको 5 पे रखना है या तो फिर 10 के आसपास रखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देन गैस उसके बाद आप लोगों को इस तरह करके पीएनजी करना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करेंगे। देन गैस ऐसे करके आप लोगों को पूरा पीएनजी बनाना है। ठीक है, फोटो को चारों तरफ से क्रॉप करना है। ठीक है, देन गैस उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। देन गैस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक अंडो वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोटो पीएनजी हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को पूरे फोटो को पीएनजी बना लेना है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग को आराम आराम से करना है। ठीक है, जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से हमारा फोटो पीएनजी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को चारों तरफ से पीएनजी बना लेना है फोटो को। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो पूरा पीएनजी हो चुका है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग को बैकग्राउंड लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके लेयर बना लेना है। ठीक है, देन गाइस उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग को इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ से अपने बैकग्राउंड को निकाल लेना है। ठीक है गाइस, तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। तो गाइस यहाँ पर हम फोटो को अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, साइज बना लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे कर देना है डन। ओके, देन गाइस उसके बाद फिर से आप लोग को इस बैकग्राउंड को पकड़ के नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा और हमारा फोटो ऊपर आ जाएगा। ठीक है गाइस, देन गाइस उसके बाद आप लोग को अपने फोटो पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जूम वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, देन गाइस उसके बाद अपने फोटो को साइज से छोटा कर लेना है थोड़ा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कर देना है डन। ओके, देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, देन थोड़ा यहाँ कलर वाला आइकन पे क्लिक करना है। देन आप लोग को ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक आइकन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन इसको सेलेक्ट करके सेटिंग पे आना है। ठीक है गाइस, इसका कुछ कम कर लेना ओपेसिटी। ठीक है, देन इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा करना है, जूम करना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट देंगे ताकि हमारा फोटो ओरिजिनल की तरह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देन गाइस यहाँ पर हम इफेक्ट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है, अब हम फोटो को सेव करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस, फोटो को अपनी गैलरी के अंदर में यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो सेव हो चुका है। ठीक है, तो हम थोड़ा ऊपर और नीचे की तरफ हमारा पीएनजी रह गया, तो फोटो को हम क्रॉप करेंगे। तो शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को स्नैपशीट के अंदर में फोटो को शेयर करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे टूल्स पे आना है, क्रॉप पे आना है। ठीक है, यहाँ से साइज अच्छा से बना लेना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आप लोग को क्रॉप कर देना है। ठीक है, तो गाइस क्रॉप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फोटो को सेव करना है, तो यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, तो हमारा फोटो सेव हो चुका है। ठीक है गाइस, देन गाइस उसके बाद आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में फोटो को शेयर करना है। ठीक है, थोड़ा कलर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम फोटो को शेयर करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है गाइस, तो आप लोग को यहाँ शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में फोटो को शेयर कर देना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा फोटो शेयर हो चुका है। अब हम ओपन करते हैं लाइटरूम को, अपने फोटो को निकाल लेना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आप लोग को कलर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ये वाला सेटिंग वाले आइकन पे आना है। ठीक है, लाइट्स वाले आइकन पे। देन गाइस यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्लैक को कम करेंगे। ठीक है, वाइट्स को कम करेंगे। ठीक है, शेडो को थोड़ा सा हम माइनस पर रखेंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हो जाने के बाद कलर वाले आइकन पे आना है। ठीक है, देन इसको भी आप लोग को बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ कलर एडजस्ट कर लेना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, देन गाइस यहाँ पर हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिक्स के अंदर आना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आप लोग को रेड टोन थोड़ा डालना है। ठीक है, तो हम रेड डाल लेंगे। ठीक है, देन फेस का कलर करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद गाइस हमारा टी शर्ट जो है उसको हम वाइट करेंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को टी शर्ट वाइट करना है, इधर करना है। ठीक है, देन इसको भी पूरा माइनस पे कर देना है। ठीक है,
सेचुरेशन को, ठीक है। देखा से यहाँ पर हमारा टी शर्ट वाइट हो चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो चुका है, ठीक है। देन यहाँ से थोड़ा हम कलर एडजस्ट करेंगे गैस, तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाने के बाद गैस, तो आप लोग को यहाँ पे कर देना है डन, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा नील वाला आइकन दे देंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हो जाने के बाद गैस आप लोग को करना है डन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ग्राइंडिंग पे आना है, ठीक है गैस। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ग्राइंडिंग पे थोड़ा सा हम ये वाला टोन रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, आसमानी टोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा कलर एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम चलो जल्दी जल्दी कलर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी आराम आराम से करना है कलर एडजस्ट, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग फोटो का बिफोर आफ्टर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिफोर आफ्टर ये देख सकते हो गैस। देन गैस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हम फोटो को क्रॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड हमारा। तो आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन गैस इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसका नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम क्रॉप कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा से क्रॉप कर लेना, उसके बाद करना है डन, ठीक है। देन गैस उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी डालना है, तो यहाँ पर प्रोफाइल्स पे आना है, ठीक है गैस। प्रोफाइल्स पे आने के बाद आप लोग को आर्टिस्ट 3 कहीं पे दिख जाएगा, ठीक है, तो उसको निकाल लेना आप लोगों को, ठीक है, आर्टिस्ट 3 ये रहा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है गैस। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा आप लोग को, जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर लेना। तुम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेना आप लोग को डन, ओके। तो ये देख सकते हो गैस, उसके बाद थोड़ा सा हम फ़ोटो में फेस का कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड लग रहा है हमारा फेस, ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कलर एडजस्ट करके करेंगे डन, ठीक है। थोड़ा सा हम फोटो में क्लैरिटी डालेंगे, ठीक है, तो इसको बढ़ा लेना है, ठीक है, क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेना है ताकि हमारा बैकग्राउंड भी HD लगे, ठीक है। देन गैस यहाँ पर हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम ब्लैक इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर, ठीक है गैस, ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर, ठीक है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फ़ोटो, ठीक है। देन गैस उसके बाद आप लोगों को अगर फ़ोटो को सेव करना है तो यहाँ गैस सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद सेव टू डिवाइस, फ़ोटो को अपनी गैलरी के अंदर में सेव करना है, ठीक है गैस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मैं इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय।